अगर इस बार हमारा ट्यूशन नहीं लगाया तो मैथ्स में लुढ़क जाएंगे। हदया भाभी जी, समझिए कि आपको ट्यूशन टीचर मिल गया। कहाँ मिल गया? यही मिल गया, आपके सामने मिल गया, ये देखिए विभूति नारायण। काश हम अनीता जी की तरह थोड़ा ज्यादा पढ़े होते तो हमें लड्डू को सिखाते। भाभी जी, ऐसा हो सकता है कि आप हमें ट्यूशन पढ़ा दें? आप लड्डू की जगह उसके गणित का एग्जाम देने वाले हैं? आप हमें मैथ्स की ट्यूशन दे दें तो हम आगे उसे पढ़ा देंगे। बेटा खोलो, चलो चैप्टर नंबर 5। एक से लेके 5 तक हम खुद कर दिए हैं। अभी हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। पूछो पूछो। व्हाट इज ए प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस 80 प्लस 90 इज इक्वल टू 100? एक्चुअली ये ए प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस 80 प्लस 90 इज इक्वल टू 100, ये कैसे सवाल हुआ यार? होता है, दिमाग पर जोर ला रही है। डाला लेकिन जवाब नहीं मिला। क्यों नहीं आता ना आपको? हम बताए? हाँ बताओ बताओ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। हाय दया, हमरे बच्चा, हमरे चिकन का टुकड़ा, हमरे लाल लड्डू, क्या बात है देखो। अभी जी कितनी मासूम है, खूब बच्चे पे कितनी खुश हो रही है। हमको तो लगता है लड्डू ही आपको पढ़ाएगा। और बच्चा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं आता हूँ, कल आता हूँ पढ़ाने के। यार इस लौंडे ने थका दिया, बाय गॉड इसको पढ़ाना बड़ी टेढ़ी खीर है, ये तो मुझे पढ़ाने लगा। लेकिन बच्चे हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, 6 चैप्टर पूरा तैयार करके जाऊंगा। पिट पैट। विभू। या बेबी, कहां से आ रहे हो? क्या हुआ? ये सुनी ऑन माय हैंड, मेरे हाथ में बैठी हुई है। तो निकाल लो ना। एक्चुअली वो मैं एक क्लाइंट से मिल के आ रहा हूँ। रियली? वाओ। मैं देख रही हूँ आजकल तुम काम पे बहुत ध्यान दे रहे हो, सिंसियर हो गया। ये आजकल मैं सिंसियर हो गया हूँ। अच्छा सुनो ना, मैं तुमसे क्या कह रही हूँ। डार्लिंग एक मिनट, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्लाइंट से, उसके लिए मुझे तैयारी करनी है, सो आई हैव टू गो, यू हैव टू लेट मी गो, ऑलराइट? बाय। मैं देख रही हूँ बहुत सिंसियर हो गया मेरा विवो। आई एम इम्प्रेस्ड। जाओ, गुड बॉय, लव यू। लट्टू को फोन करती हूँ। हेलो, हाँ कौन? लड्डू, मैं अनीता भाभी बोल रही हूँ। अच्छा भाभी जी, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अच्छा सुनो, मैंने तिवारी जी को पूरी ज्योमेट्री सिखा दी थी, उन्होंने तुम्हारी ट्यूशन ली कि नहीं? क्या बात कर रहे हैं भाभी जी, कोई ऐसी की है ज्योमेट्री? ऑफ कोर्स मैंने सिखाया था, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करा दी है मैंने उनकी। हाँ सीख लेना उनसे। ठीक है भाभी जी, भैया अभी तक आए नहीं है, आते ही सीख लूंगा। चलो ठीक है, ओके बाय, ऑल द बेस्ट। लड्डू, किसका फोन था? वो अनीता जी का फोन था। क्या कह रही थी अनीता जी? कह रही थी कि उन्होंने भैया को ट्यूशन दिया। हदिया, उन्होंने भैया को काहे टेंशन दिया? ट्यूशन भाभी माँ। सही पकड़े है, लेकिन काहे? ताकि भैया हमें ट्यूशन दे सके। हाय दया, देखा लड्डू, भैया तुम्हारे बारे में कितना सोचते हैं, तुमको पढ़ाने के लिए वो अनीता जी के साथ जाके सीख रहे हैं। वो तो वक्त ही बताएगा भाभी माँ। हाँ। अंगूरी। हदिया आ गए। क्या हुआ? हम आप ही की राय देख रहे थे भैया। अच्छा क्यों बे? वो ज्योमेट्री सीख रहे थे ना आपसे। अचानक कुछ चक्कर सा आ रहा है, पता नहीं कुछ। ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, वो देखते हैं अभी। देखा, बुखार आ गया है इनको पढ़ते पढ़ते, लगता है इनको ज्योमेट्री का बुखार चढ़ गया है। लड्डू, तुमको सिखाते सिखाते सारे मास्टर जी को चक्कर कहाँ है आ रहा है, इसमें ना ही आ रहा है। अला तब नहीं इतना पढ़े जब स्कूल में थे, अब क्या करें, गाय की चाहत है तो बछड़े का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा। पढ़ो बेटा पढ़ो।
भरभूति जी, कैसन बा? हम ठीक बा भाभी जी, आई एम फाइन, हाउ आर यू, आप कैसी हैं? एब्सोल्युटली फाइन भाभी जी, एब्सोल्युटली फाइन। सही पकड़े हैं। भरभूति जी, आप फ्री हैं का? ऑफ कोर्स भाभी जी, आपके लिए हम हमेशा फ्री रहते हैं। आप बोलिए, कहाँ चलना है आपके साथ? हमको कहीं नहीं जाना, हम लड्डू को भेज देते हैं पढ़ने के लिए। एक्चुअली वो कुछ अंदर नीचे मेहमान आए हुए हैं, तो आप एक काम कीजिए, लड्डू को आप 2 घंटे बाद भेजिएगा, ठीक है? ठीक बा। अब भरभूति जी, आप लड्डू को पढ़ाएंगे और लड्डू पास हो गया ना, तो हम आपको सरप्राइज गिफ्ट देंगे। बस भाभी जी, आपके उस सरप्राइज गिफ्ट का तो इंतजार है। घंटे में ये लड्डू आ जाएगा, तब तक मैं चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लेता। लड्डू बेटा, आ जा, आ बेटा, आ जा बेटा। हाय मिस्टर छपरा यूनिवर्सिटी के टॉपर। बेटा अपनी ये कतरनी जैसी जबान बंद रखो और पढ़ाई पे ध्यान दो, समझे ना तुम? चलो निकालो चैप्टर नंबर 6 और पढ़ने बैठो। अरे आप अभी तक चैप्टर नंबर 6 पे ही अटके हुए हैं। क्या मतलब? वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही सॉल्व कर लिया। चलिए अब चैप्टर नंबर 7 पढ़ाइए। अबे सारे चैप्टर खुद ही पढ़ लेगा, तुम ट्यूशन को लगा रखी है? इजी वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, हार्ड क्वेश्चन के लिए ट्यूशन टीचर की जरूरत है। ये 7 नंबर चैप्टर बहुत हार्ड है, चलिए शुरू करिए। अच्छा तो ये बता कि तू अब तक कैसे पास होता आया है? वो परीक्षा में हमारे आगे जो लड़का बैठता था वो बहुत होशियार था, हम उसकी मन की बात सुन के लिख लेते थे। तो बेटा अभी वैसे कर ले, कौन सी नई बात? इस बार एग्जाम में हमारे आगे हमसे भी कमजोर लड़का बैठने वाला है। चलिए शुरू कीजिए, पढ़ाइए चैप्टर नंबर 7। क्या यार, ये किसने लिखी है बुक? सब रॉन्ग है, सब गलत है यार, सब गलत है। अच्छा रॉन्ग है? यार हमारे टाइम में कितने बढ़िया क्वेश्चंस आया करते थे, यू नो। आपके टाइम पर तो मास्टर जी को खुश करके भी पास हो जाया करते थे। तुझे कैसे पता बे? वो हमारे भैया 8वीं तक ऐसे ही पास हुए। बेटा अब तुम्हें पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं, जा जा के खेल, ऐश कर, जा अब तू पास हो जाएगा, तू भाभी जी का नाम रोशन करेगा, जा ऐश कर बिना पढ़े। अरे जा तू, जा जा ऐश कर, जा खेल। हम सब सेटिंग कर लेंगे, ऐसा पीपल कॉल मी सेट अप। आप रामबत्ती हाई स्कूल में गणित के टीचर भूदेव जी है ना? जी हाँ। प्रणाम माता। अरे खुश रहो, खुश रहो। धन्य हो माता पिता जिन्होंने तुम्हारे जैसे संस्कारशील बच्चा पैदा किया है। एक्चुअली जब मैं पैदा हुआ तो मेरे हाथ जुड़े हुए थे ऐसे। तो तुम्हारा नाम संस्कार है? नहीं, विभूति नारायण मिश्रा। क्यों, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा नाम संस्कार क्यों नहीं रखा? एक्चुअली जब मेरे पिताजी ने मुझे गोद में उठाया तो मैंने उनकी गोद में ना छुलछुला दिया। छुलछुला दिया? हाँ, सुसु कर दी। ये तो अच्छे संस्कार नहीं। देखिए फिलहाल ये संस्कार की बत्ती बनाइए और कान खुजलाइए और मुद्दे की बात पे आइए। मुद्दे की बात? जी, आपके स्कूल में 5वीं कक्षा में मनमोहन तिवारी का छोटा भाई पढ़ता है। वो लड्डू? हाँ लड्डू। अरे वो तो बहुत बदमाश लौंडा है। हाँ बदमाश है, क्योंकि अपने भाई पे गया है। वो गणित में बहुत कमजोर है, इस बार गणित में फेल हो गया तो मैं उसे। मास्टर जी इस बार वो गणित में फेल नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं। देखिए आजकल चलन चल रहा है यहाँ पे कानपुर में, लेन देन होता है। बोलिए कितना लेंगे आप? अरे भाई कितनी कीमत लगाई आपने अपनी, बोलिए
हम देंगे कैश दे देंगे अभी यहीं पर सबके सामने, घबराइए मत आप। लौंडे को 85% दे दीजिए, हम आपको और खुश कर देंगे। चलिए तो तुम एक टीचर को रिश्वत दे रहे हो? हाँ दे रहे हैं भाई, दे रहे हैं। प्रणाम मास्टर जी। खुश रहो। भाभी जी घर पर हैं? अरे तिवारी जी आइए आइए बैठिए, बताएं जी। तो शुरू करें भाभी जी? क्या शुरू करें? ट्यूशन। तिवारी जी एक बात बताइए, ये जो आप मुझसे मैथ्स की ट्यूशन लेते हैं, ये अपने लिए लेते हैं या फिर लड्डू के लिए लेते हैं? अपने लिए जी। जी मतलब आप अपने लड्डू के लिए? तो फिर जो मैंने आपको कल मैथ्स पढ़ाया था वो जाकर आपने लड्डू को क्यों नहीं पढ़ाया? मुझे लड्डू ने फोन करके सब कुछ बता दिया है जी। मैं माफी चाहूंगा भाभी जी, वो क्या है कि जो कुछ भी आपने हमें पढ़ाया था ना वो दरअसल हम भूल गए। आप सब भूल गए जी? मैंने इतनी मेहनत से आपको जो कल मैथ्स पढ़ाया था वो आप सब भूल गए एक झटके में? हमें तो आपके सिवा कुछ याद ही नहीं रहता भाभी जी। तिवारी जी मैं आपसे कुछ कह रही हूँ। जी 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 भाभी जी, आज आप जो कुछ भी पढ़ाएंगी ना हम शब्द टू शब्द वो लड्डू के दिमाग में उंडेल देंगे। पढ़ाइए। हाँ कहना बहुत आसान है। बहुत मुश्किल है भाभी जी, इसलिए तो आज तक कह नहीं पाए। क्या कह नहीं पाया? क्या क्या कहना आसान है भाभी जी, आप कह रही थी। देखिए तिवारी जी एक बात बता देती हूँ, अब से मैं आपको जो कुछ भी पढ़ाऊंगी उसका मैं आपका टेस्ट लूंगी ये देखने के लिए कि आपके दिमाग में क्या घुसा, और उसके बाद आप जाइए और लड्डू को पढ़ाइए। तो मतलब जो कुछ भी पढ़ाएंगी उसका टेस्ट लेंगी जी। भाभी जी एक गिलास पानी मिलेगा? ऑफ कोर्स पानी मिल जाएगा। से पहले कि हम पानी पानी हो हम यहां से पलायन कर जाए तो ठीक है। ये लीजिए पानी। अरे ये तिवारी जी कहां भाग गए? जैसा छोटा भाई वैसे ही बड़ा भाई। छोटे भाई को तो पढ़ाया नहीं क्या, उसके चक्कर में हम सुध गए संटियों से। आप हैं ही इस काबिल। बस मत कीजिए आप, चुप रहिए। हम पूछ सकते हैं कि नौबत क्यों आई? लड्डू को पास करने के लिए उसके मास्टर को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। ओहो ये गलती तो हम भी कर चुके हैं। आपको भी सूता क्या उसने? जी संटियों के निशान आज भी पिछवाड़े पे मौजूद हैं। आपको तो सही सूता उसने। जी जी सही सूता आपको। छोटे भाई को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं आप? अरे हम तो गए थे अनीता भाभी से ट्यूशन पढ़ने। पर ये कौन सी लॉजिक हुई, कुछ समझ नहीं आई मुझे। लड्डू को भेजने की बजाय आप खुद पहुंच गए अनु के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए। अरे भाई वो हमारा भाई है, हमारे साथ पढ़ने में कंफर्टेबल महसूस करता है, तो हमने सोचा कि पहले हम भाभी जी से पढ़ेंगे फिर लड्डू को पढ़ा देंगे। लेकिन वो भाभी जी ने जो पढ़ाया था हम भूल गए, अब इसीलिए हम भाभी से मुंह छुपाते फिर रहे हैं हम। और क्या, आप तो वैसे भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जी अंगूरी ने हमको सब कुछ बता दिया है। बड़े भीष्म पितामह बने बैठे थे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे थे कि हम जो है वो लड्डू को मैथ्स में पास करवा देंगे। अब क्या हुआ आपकी प्रतिज्ञा? क्या प्रतिज्ञा निभाने के चक्कर में तो सुध गए, संडी संडी लगी है हमको।
अच्छा जी, तो छपरा यूनिवर्सिटी से जो डिग्रियां ली थी वो क्या पकौड़े रखकर खाने के लिए ली थी? खुद नहीं पढ़ा सकते थे? तिवारी जी, मैथ मेरा सब्जेक्ट कभी रहा नहीं, मैं तो आर्ट स्टूडेंट हूँ तिवारी जी। तो फिर गिलहरी की तरह क्यों उछल रहे थे आप? अरे हाँ, गिलहरी से याद आया, भाभी जी कैसे हैं? क्या क्या मतलब आप? मतलब नहीं, क्या है कि मैं गिलहरी जी मतलब भाभी जी से मुंह छुपाता फिर रहा हूँ, उससे नैन मिलाऊं कैसे? क्या क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ कि मतलब नजर कैसे मिलाऊं, उसे कैसे फेस करूं उनको, आई डोंट नो। मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, क्या करें? एक काम करते हैं, कुछ देर बाहर टाइम पास करते हैं, फिर अपनी लानत पर कुछ लपेट कर मुंह छुपाते छुपाते अपने अपने घर में घुस लेंगे। चाय पियेंगे? जी। अम्मा जी का बताए, हमको ये लड्डू के बारे में कोनो समझ में नहीं आ रहा है। ये लड्डू के भैया बोले कि लड्डू को पढ़ाएंगे, ये बहाने बना के चले गए। अब हरभूति जी बोले पढ़ाएंगे, वो भी नहीं पढ़ा रहे, का करे लड्डू का जो समझ में नहीं आ रहा है। मैं खेलने जा रहा हूँ। लड्डू रुक। अम्मा जी हम बाद में फोन करते हैं। प्रणाम। कहा जा रहे हो? तुम्हारे मेथी का पेपर है ना? वो मैथ होता है भाभी माँ। सही पकड़े है। तो को पढ़ाई ना ही करोगे घर पे? चलो पढ़ाई करो। पढ़ाई कहाँ से करे भाभी माँ, छपरा यूनिवर्सिटी और दरभंगा कॉलेज तो हमें छोड़कर भाग गए हैं। हाँ वो बात भी ठीक है, लेकिन तुम्हारे भैया तो बिजनेस के काम से बिजी होंगे ना। अब भरभूति जी भी बोले थे ना तुमको पढ़ाएंगे, कहाँ है वो? क्या बात करे अंगूरी जी, विभूति ने कहा था कि वो लड्डू को पढ़ाएगा। हाँ वो भरभूति जी बोले थे कि हम लड्डू को पढ़ाएंगे तो लड्डू को माउथ में भर भर के नंबर आएंगे। माउथ में? ओ आपका मतलब है मैथ में अच्छे नंबर आएंगे। सही पकड़े हैं। विभू तो खुद ही मैथ में फेल हो जाता था, लड्डू को क्या पढ़ाएगा। क्या बोले? ओ नहीं, मेरा मतलब ये था कि अगर लड्डू के लिए कोई लेडी टीचर होगी तो चलेगा क्या? कहे ना ही चलेगा, चलेगा ना, लेकिन कहाँ मिलेगी? है ना आपके सामने बैठी हुई। हदिया आप लड्डू को पढ़ाएंगे? हाँ सही बगड़े है। हदिया भैया कहाँ से आ रही है सवारी? अरे भैया कभी तो बोल लिया कर, हमेशा साइलेंट मोड ऑन रहता तेरा। मोहतरमाए कहाँ से आ रही हैं? बहुत दूर से आ रही हैं लगता है, कभी देखा नहीं आप दोनों को इस मोहल्ले में। तूने दीदों ने क्या एक्सरे लगा रखे हैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो तूने ऐसा क्या देख लिया हमारे जिस्म में कि तुझे लग रहा कि पहली बार देख रिया है? अरे मैं तो वो हूँ जो के खत का मजमू भाप लेता है लिफाफा देखकर। तेरा क्या इरादा है कुत्ते? लिफाफा फाड़ के मजमू की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं तू? नहीं नहीं मेरा बस ना देखने का शौक है मुझे। ठीक है अगर तूने लिफाफा देख ही लिया है मुंह में तो ये भी बता दे कि उसके अंदर का मजमू क्या है। सच सच बताता हूँ आपको। देखिए मोहतरमा, इस लिफाफे के अंदर बहुत ही जवान और हसी मजमू छिपा है और मुझे डर इस बात का है कि कहीं किसी जाहिल गुंडे के हाथ न पड़ जाए ये मजमू। तो मेरी बात मानिए मोहतरमा। क्या बात माने बे? देखिए ये इलाका जो है ना वो ठीक नहीं है आपके लिए, समझिए आप। ये जो दो घर देख रही है ना, इसके अंदर दो बड़े ही छिछोरे टाइप के लोग रहते हैं और अगर उनकी नजर पड़ गई ना आप दोनों पे तो खत के पुर्जे पुर्जे कर देंगे, समझी? हाँ, तो आप एक काम करें, आप मेरे घर चलिए। हाँ चलिए मेरे घर आइए। हमें अपने घर ले जाके क्या करेगा कुत्ते? अरे मोहतरमा मेहमान नवाजी करूंगा। मेहमान नवाजी करेगा या हैवान नवाजी करेगा कुत्ते? Ah!
साला। गुड नाइट। गुड नाइट। लड्डू के भैया से हमको प्यार बा, जिया बेकरार बा, लड्डू। भरपूती जी